सरकार ने चौंकाते हुए कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब कुश्ती को लेकर मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। बजरंग पुनिया ने पीएम आवास के सामने अपना मेडल रख दिया। साक्षी मलिक ने रोते रोते कुश्ती को अलविदा कह दिया। तो एक दिन पहले ही बृजभूषण सिंह बनाम पहलवानों के इस दंगल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई। बीजेपी ने मामले की गहराई को समझा और बेहद सधे हुए अंदाज में बड़ा फैसला लिया। आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सियासत गरमाने के आसार हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को ओलंपिक विजेता पहलवानों से मुलाकात की। न्याय की लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिलाया था। प्रियंका गांधी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के घर पहुंची। यहां उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात की। प्रियंका गांधी के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं यहां एक औरत होने के नाते आई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने न्याय की लड़ाई में दोनों पहलवानों का साथ देने का भरोसा जताया है। दरअसल बीजेपी खुद को इस मामले को लेकर बैकफुट में समझने लगी थी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसके कुछ महीनों बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बीजेपी जाटों से नाराजगी मोल नहीं ले सकती है, वो भी ऐसे वक्त पर जब कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में जाटों की जनसंख्या करीब 8 से 9 करोड़ है, यानी कि भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 6% हिस्सा जाट जाति का है। हालांकि ये अनुमानित आंकड़ा है जो कि कई स्रोतों से प्राप्त किया गया है। हरियाणा में जाटों की संख्या करीब 18% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में जाट जाति का करीब 40% हिस्सा है। इस प्रकार राजस्थान में जाट जाति की जनसंख्या करीब 20% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें जाट बाहुल इलाके की हैं। हरियाणा में तो जाट सीएम का पुराना रिवाज रहा है, लेकिन बीजेपी ने खट्टर को लाकर पंजाबी समुदाय से सीएम दिया था। हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद या फिर सीएम का पद जाट समुदाय को ही देती है। ऐसे में पार्टी खिलाड़ियों से नाराजगी मोल नहीं ले सकती है। माना जा रहा है कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया है, जहां पर WFI को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जब ये बात संजय सिंह को पता चली तो तुरंत उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये देखिए। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है अभी मैं, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। प्लीज, धन्यवाद। अभी नो कमेंट, नो कमेंट। किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।